हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय चैप्टर का पार्ट नंबर 11। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 10 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, क्योंकि पिछले 10 पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को पूरी राष्ट्रीय की थ्योरी एक एक पॉइंट आपको मैंने कवर करवाया है। आज की क्लास से राष्ट्रीय के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो संख्यात्मक प्रश्न है, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ, राष्ट्रीय ज्ञात करने की हमारे सामने 3 विधियां होती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। लेकिन इन तीनों विधियों को सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के बिना आप तीनों में से एक भी विधि को सही ढंग से नहीं सीख सकते। तो आज वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे। न्यूमेरिकल में क्या सीखेंगे भाई, इसको इससे चेंज करना है, इसको इससे चेंज करना है, यानी कि किसी एक कॉम्पोनेंट को अगर दूसरे कॉम्पोनेंट से चेंज करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय दिया हुआ है और हमें घरेलू आय पे पहुंचना है, तो हम उसको चेंज करके कैसे चेंज करके हम उसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो है, इसके आज की क्लास के अंदर हम आय विधि नहीं सीखने वाले, व्यय विधि नहीं सीखने वाले, या फिर हम उत्पादन विधि नहीं सीखने वाले, बल्कि इन तीनों विधियों को सीखने के लिए जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी जो बेसिक कंसेप्ट होता है, उसको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय के आधारभूत समग्र। देखो, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय के आधारभूत समग्र 8 होते हैं, जिसमें से 4 घरेलू अवधारणाएं होती हैं और 4 क्या होती है, राष्ट्रीय अवधारणाएं होती है। घरेलू अवधारणाओं के अंदर GDP@MP, GDP@FC, NDP@MP और NDP@FC आ जाता है। राष्ट्रीय अवधारणाओं के बाद GNP@MP, GNP@FC, NNP@MP और NNP@MP और NNP@FC आ जाता है। तो ये याद रख लेना कि घरेलू और राष्ट्रीय अवधारणाएं 4-4 होती हैं। आज की क्लास के अंदर हम इनको चेंज करना सीखेंगे कि भाई अगर हमें क्वेश्चन के अंदर NNP@MP दिया हुआ है और वहां से हमें GDP@MP जाना है, तो हम उसको चेंज करके कैसे जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझना। देखो, जी से होता है ग्रॉस और एन से होता है नेट। ग्रॉस को हम लोग हिंदी में सकल कह देते हैं और एन को हम लोग कहते हैं शुद्ध। ठीक है, तो थोड़ा इंग्लिश में भी वर्ड याद रखना, क्योंकि फिर आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, जी से ग्रॉस, मैंने अभी ऐसे लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूं, ग्रॉस, और एन से हो जाएगा हमारा नेट। ग्रॉस बड़ा होता है और नेट कैसा होता है, छोटा। जी से बोले ग्रॉस मतलब सकल और नेट मतलब शुद्ध हो जाता है। तो अगर आपको बड़े से छोटे पर जाना है, यानी कि जी से एन पर जाना है, तो आपको माइनस करना पड़ता है डेप्रिशिएशन, जिसे हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। और वापस नेट से वापस ग्रॉस पे जाना है, यानी सकल पर जाना है, शुद्ध से वापस सकल पर जाना है, तो हमें प्लस करना पड़ता है डेप्रिशिएशन, यानी कि जैसे हम लोग क्या देते हैं, मूल्यह्रास। तो पहला आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको जी से एन पर जाना है तो आपको क्या करना है, और वापस एन से जी पर जाना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन वाला मूल्यह्रास के अंदर आपको फंसा देता है। देखो, तो मूल्यह्रास की जानकारियां मैंने कुछ यहां पर लिख दी है। मूल्यह्रास को हम लोग पूंजीगत संपत्ति का उपभोग भी कहते हैं। अब भाई मूल्यह्रास क्या होता है, मैंने आप लोगों को थ्योरी वाले चैप्टर के अंदर, थ्योरी वाले जो पार्ट्स बनाए, मैंने उसके अंदर समझाया हुआ है कि मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई स्थायी संपत्ति का उपभोग करते हैं तो उसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे हम एक बाइक खरीद के लेकर आए तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो कम होगी, उसको हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास को निकालने का एक तरीका क्या है, सकल माइनस शुद्ध। देखो, अगर आप सकल में से शुद्ध माइनस करोगे तो मूल्य ह्रास की वैल्यू आ जाएगी। मूल्य ह्रास निकालने का एक और तरीका होता है पूंजीगत संपत्ति की लागत। मान लो आपने कोई सामान 3 लाख रुपए का खरीदा, ठीक है, और संपत्ति का जीवन काल, और उसका जीवन काल 10 साल है, तो 10 से डिवाइड कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा, मूल्यह्रास। तो सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को क्या समझाई, भाई सकल से शुद्ध कैसे जाएंगे और शुद्ध से सकल कैसे जाएंगे। अगर सकल से शुद्ध जाना है तो मूल्यह्रास को माइनस करो, और अगर शुद्ध से वापस सकल पे जाना है तो मूल्यह्रास को प्लस कर दो। ठीक है, और मूल्यह्रास के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, देखो मूल्यह्रास कई बार डायरेक्ट आपको गिवन नहीं होता, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। मूल्यह्रास में पूंजीगत संपत्तियों को भोग भी बोलते हैं, सकल माइनस शुद्ध भी बोल सकते हैं, और पूंजीगत संपत्ति की लागत को संपत्ति के जीवन काल से डिवाइड करके आप निकाल भी सकते हो। दूसरे नंबर पे आ जाता है, एक होता है एन और डी। एन से होता है राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल, इसे हम लोग क्या देते हैं, नेशनल, और डी से होता है हमारा डोमेस्टिक। ठीक है, नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक कैसा होता है, छोटा।
अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय से घरेलू पे जाना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा NFIA, और वापस ऊपर जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा NFIA। अभी इसका यूज कैसा होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो NFIA कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता, तो हिंदी में से समझ लेते हैं। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम लोग क्या कह देते हैं, NFIA कह देते हैं। थ्योरी के अंदर आपको मैंने समझाया था। इसे निकालने का एक और तरीका होता है से माइनस को, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए और विदेशों को दिया गया साधन आए, ठीक है। जब आप से में से को माइनस करते हो, यानी फ्रॉम माइनस टू करते हो, तो भी आपको NFIA पता चल जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा है एमपी और FC। MP बड़ा होता है, FC छोटा होता है। MP मतलब बाजार कीमत और FC मतलब साधन लागत। ये भी मैंने आपको थ्योरी के अंदर सिखाया हुआ है सारी चीजें, ठीक है। देखो अगर आपको MP से FC जाना है, यानी बाजार कीमत से साधन लागत पर जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और वापस साधन लागत से आपको बाजार कीमत पर जाना है तो प्लस करना पड़ेगा NIT, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को प्लस करना पड़ेगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने का तरीका क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर में से आप छूट यानी के सब्सिडी को माइनस कर दो। अप्रत्यक्ष कर में इंडिया में अभी सबसे बड़ा है GST, इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको आप कंबाइंड करके GST बना दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बिक्री कर आप बोल सकते हो, जिसे हम सेल टैक्स बोलते हैं, सर्विस टैक्स बोलते हैं, ये सब अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। अप्रत्यक्ष कर में से अगर सब्सिडी माइनस कर दिया जाए, छूट माइनस कर दिया जाए, तो वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बन जाता है। तो अभी इनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमें याद क्या रखना है कि भाई जी से एन, ठीक है, जी से एन यानी गुड नाइट, और अब हमारा आ जाएगा एन से डी न्यू दिल्ली, इसके अलावा एमपी से एफसी, ठीक है। तो ये याद रख लेना आपको, जी से एन जाना है तो क्या करना है, एन से वापस जी जाना है तो क्या करना है, एन से डी जाना है तो क्या करना है, डी से वापस एन जाना है तो हमें क्या करना है, ठीक है, एमपी से एफसी जाना है तो क्या करना है, और एफसी से एमपी वापस ऊपर जाना है तो हमें क्या करना है, दोनों के बीच में, ठीक है। डेप्रिसिएशन इंग्लिश में बोले तो NFIA और NIT, सभी बच्चों को याद रखना है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पूरे चैप्टर के अंदर याद रखनी है, जब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे, ये बात गलती से भी कभी मत भूल जाना कि भाई राष्ट्रीय आय को हम लोग कहते हैं, राष्ट्रीय आय को हम लोग कहते हैं NNP@FC, क्लियर हो गया। घरेलू आय को हम लोग कहते हैं NDP@FC, क्लियर, सभी बच्चों को याद रखना है। राष्ट्रीय आय को हम लोग कहते हैं NNP@FC और घरेलू आय को हम लोग कहते हैं NDP@FC, ठीक है भाई, क्लियर है सभी बच्चों को। ये बात आप कभी मत भूलना, राष्ट्रीय आय को NNP@FC और घरेलू आय को NDP@FC बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हैं, तब जाके हमें चीजें क्लियर होंगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे को NDP@FC ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमें GNP@MP दिया है, तो एक समग्र हमें निकालना है, दूसरा समग्र हमें दिया है, तो इस समग्र की सहायता से हम ये ज्ञात करेंगे। मूल्यह्रास है, विदेशों से शुद्ध साधन आय दिया हुआ है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है। देखो पूरे नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर अगर आपको ये चेंज करना नहीं आता है, बेसिक न्यूमेरिकल नहीं आते, तो आप एक भी विधि अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ना तो आपको आय विधि आएगी, ना व्यय विधि आएगी, और ना आपको उत्पादन विधि आएगी। तो एक समग्र दिया हुआ है, दूसरा समग्र ज्ञात करना है। तो जो समग्र ज्ञात करना है, सबसे पहले लिख लेता हूं NDP@FC, ये हमारे को ज्ञात करना है। भाई किसकी मदद से ज्ञात करना है, NDP@FC मदद करना है, ज्ञात करना है किसकी मदद से, GNP@MP की मदद से, क्लियर है। थोड़ा सा मैं हेल्प के लिए GNP@MP को ऊपर भी लिख ले रहा हूँ, GNP@MP को ऊपर भी लिख ले रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके से होंगे, समझ लेना। NDP@FC निकालना है किसकी मदद से, GNP@MP, यहां भी लिख लिया, इसको यहां भी लिख लिया, ठीक है। ये तो मैं अपने हेल्प के लिए लिख रहा हूं, इसे आप रब भी कर लो। जब आप ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये हेल्प करने की जरूरत भी नहीं होगी, आप अपने आप ही कैलकुलेट कर सकते हो। एक एरो ऐसे डालो जी से एन, एक डालो एन से डी, एक पी से पी और एक एमपी से एफसी। चेक करो हमारे को गिवन क्या है, हमारे को गिवन है जी, और हमारे को जाना कहां पर है, एन, यानी कि जी गिवन है, एन जाना है। तो जी गिवन है, जो गिवन है पहले उस पर हाथ रखना है, जी गिवन है और जाना कहां पर है, एन, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, मूल्य ह्रास। तो ठीक है, माइनस करना पड़ेगा मूल्य ह्रास, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। उसके बाद हमें गिवन है एन और जाना कहां पे है, डी, तो एन गिवन है, डी जाना है, ये रहा, एन गिवन है और डी जाना है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, NFIA, माइनस करना है हमारे को NFIA,
ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम लोग NFIA कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी PA और यहाँ पर भी PA, ये तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पर MP और यहाँ पर क्या है FC, तो MP से FC जाना है आपको, चेक करो। MP गिवन है, FC जाना है, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यू उठा के लिख देनी है। GNP एट MP आपका आ रहा है 8000, मूल्य ह्रास आ रहा है आपका 600, NFIA ये रहा आपको गिवन है, विदेशों से शुद्ध साधन आय, इसी को कहते हैं NFIA। चाहो तो आप यहां पर भी लिख लेना कि NFIA क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना है हमारा, 300 रुपए। उसके बाद क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसी को हम लोग NIT भी कहते हैं, ठीक है, 700 रुपए। अब ये पूरा सोल्व कर लेना, ये सोल्व करके आ जाएगा आपका 6400 करोड़। ये सारे अमाउंट जितने भी है ना, ये करोड़ में है, तो यहां पर भी लास्ट में आपको करोड़ वर्ड लगा देना है। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को NNP-HFC ज्ञात करना है। NNP-HFC को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। मैंने अभी आपको दो एब्रीवेशन बताया था कि राष्ट्रीय आय को हम NNP-HFC कहते हैं और जो घरेलू आय होती है उसको हम NDP-HFC कहते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, क्वेश्चन के अंदर GDP-MP दिया है, तो एक समग्र आपसे पूछा गया है, दूसरा समग्र आपको दिया गया है। स्थिर पूंजी का उपभोग आपको दिया हुआ है, वस्तु तथा सेवा कर आपको दिया हुआ है, विदेशों से साधन आय, आर्थिक सहायता आपको गिवन है, और विदेशों को साधन आय ये आपको गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, एक बार चेक करो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, NNP-HFC आपको कैलकुलेट करना है, किसकी मदद से, GDP-MP की मदद से भाई, ठीक है। NNP-HFC निकालना है, GDP-MP, तो यहां पर भी लिख लेते हैं GDP-MP। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि NNP-HFC हमको निकालना है किसकी मदद से, GDP-MP की मदद से। तो सबसे पहले हम GDP-MP को ही यहां पर लिखेंगे, और हेल्प के लिए मैंने GDP-MP को यहां पर भी लिख दिया, लेकिन आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। तो आपको एक एरो बनाना है जी से एन, एक बनाना है डी से एन, एक पी से पी और एक एमपी से एफसी, ठीक है। तो जी से एन जाना है इस बार, जी से जाना है एन, माइनस करना होगा मूल्य ह्रास, माइनस करना है मूल्य ह्रास, ठीक है, क्लियर है। अगर आप इसे इंग्लिश में भी लिखते हो और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आप इंग्लिश में भी लिखते हो कि माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो भी ये गलत नहीं होता क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है डी से एन, तो डी से एन वाला पेयर चेक करो कौन सा, ये है डी से एन वाला, आपको जाना है डी से एन, तो पहले डी पे उंगली रखेंगे, डी से जाना है एन, तो ये एरो तो नहीं जा रहा, ये वाला एरो जा रहा है डी से एन, ये वाला एरो जा रहा है, तो प्लस क्या करना है, NFIA, प्लस NFIA कहते हैं इसे, हम लोग कह देते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो मैं NFIA ही लिख दे रहा हूं, इतना लंबा नहीं लिखता हूं, ठीक है। पी से पी हमारा क्या हो गया, कैंसिल, और एमपी से आपको जाना है एफसी, तो एमपी पे हाथ रखेंगे, ये रहा एमपी, एमपी से जाना एफसी, तो ये वाला एरो जा रहा है, माइनस करना होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, माइनस करना होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये हमारे को करना होगा, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले हमें रखना है GDP-MP की वैल्यू क्या आ रही है, भाई GDP-MP की वैल्यू आ रही है आपकी 5500 रुपए, क्लियर होती है, ये लो हमने 5500 रुपए रख दिया, माइनस मूल्य ह्रास। अब देखो मूल्य ह्रास में मैंने बोला था कि मूल्य ह्रास के कई सारे नाम है, या तो आपको मूल्य ह्रास सीधा देगा, तो क्वेश्चन में यहां पर चेक करो कि मूल्य ह्रास को सीधा सीधा नाम नहीं दे रखा है। मूल्य ह्रास का एक और नाम है स्थिर, या स्थिर पूंजी का क्या करना, उपभोग करना, ये देखो स्थिर पूंजी का उपभोग, यही है हमारा मूल्य ह्रास, तो नाम चेंज करके दे देगा कई बार क्वेश्चन में, तो याद रखना है कि इनके और नाम क्या, अभी मैंने लिखवाया था, यहां पर मैंने रफ कर दिया, मूल्य ह्रास का दूसरा नाम था स्थिर पूंजी का क्या करना, उपभोग करना, स्थायी पूंजी का उपभोग करना, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये कितने रुपए है, 300 रुपए, प्लस NFIA। NFIA की फुल फॉर्म होती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो चेक करो विदेशों से प्राप्त, शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, शुद्ध नहीं लिखा, तो मैंने आपको बताया था से माइनस को करना है, से माइनस को, तो देखो विदेशों से ये मिल गया आपको, विदेशों को आप देख लेना, मैंने यहां पे रफ कर दिया, अगर आपने नोट करा तो वहां पे देख लेना, मैंने बोला था अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नहीं दे रखा तो उसे निकालने का तरीका क्या है, उसे निकालने का तरीका विदेशों से में से विदेशों को, जितना आपने विदेशों से कमाया, जितना आपने विदेश वालों को दिया, उसको आपको माइनस करना है, तो विदेशों से कितना है हमारा,
150 रुपये और विदेशों को कितने चले गए -250 रुपये। तो अगर आप इसका नेट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका NFIA। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीज सबको याद रखना है। रूट जैसा लग रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूं, इसका ये है, इसकी वैल्यू जो है ये क्या है NFIA। माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्वेश्चन में गिवन है क्या? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं वस्तु तथा सेवा कर, इसे हम लोग कहते हैं GST, है ना, GST दे रखा है हमारे को ये GST। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष कर है। तो मैंने देखो आपने, मैंने रफ कर दिया वहां पर, मैंने लिखा था कि अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया तो जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें से सब्सिडी यानी को छूट को माइनस करना है। आर्थिक सहायता भी आप उसे बोल सकते हो, जो छूट होती है उसको आप आर्थिक सहायता भी बोल सकते हो। तो चेक कर लेना, विदेशों वस्तु तथा सेवा कर अप्रत्यक्ष कर कितना है हमारा, अप्रत्यक्ष कर है हमारा 120 माइनस आर्थिक सहायता कितनी है 70। तो ये हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे एक सोल्व कर लो आप 5500 रुपए। ठीक है, सीधा ही लिख देता हूं मैं एक बार सोल्व करके, ये आ जाएगा हमारा 5050। ठीक है, ठीक है ना, हाँ, तो ये 5050 आ रहा है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसके अंदर डायरेक्ट गिवन नहीं था तो कुछ चीजें हमें निकालनी पड़ रही। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्थिर पूंजी का उपभोग यानी कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास जिसे हम लोग क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन, ये हमारे को ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को सबसे पहले दिया हुआ है राष्ट्रीय आय। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था इस चैप्टर में, भाई अपना नाम भूल जाना, लेकिन राष्ट्रीय आय को कहते हैं NNPHFC और घरेलू आय को कहते हैं हम NDPHFC, ये बात कभी मत भूलना। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को हम लोग क्या कहते हैं NNPHFC। अब जिस बच्चे को यह नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय आय को NNPHFC कहते हैं, इस क्वेश्चन को वो कभी सोल्व नहीं कर पाएगा। GDP/MP हमारा 5000 रुपए दिया है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये है हमारा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंग्लिश में बोल देते हैं इसे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसे हम लोग कहते हैं NFIA। ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो बार बार हिंदी में बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको लिख के कॉम्पोनेंट लिख के क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। तो आइए सोल्यूशन हमारे को करना है। सबसे पहले अब क्वेश्चन में हमारे को इस बार मूल्यह्रास, हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मूल्यह्रास निकालना है। हमारे को एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट नहीं निकालना, बल्कि दो कंपोनेंट हमारे को ऑलरेडी गिवन है, NNPHFC और GDP/MP हमारे को गिवन है, और हमारे को क्या पूछा गया है मूल्यह्रास। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आपको क्या करेगा कई बार दो कंपोनेंट दे देगा, आपसे पूछेगा भाई कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA निकालो, या फिर डेप्रिसिएशन निकालो। आपको क्वेश्चन में दो कंपोनेंट दे देगा और बोलेगा आपको ये जो बीच की चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही टाइप के होंगे। आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट से, मान के चलो अभी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको GDP/MP गिवन होता और आपको क्या निकालना होता NNPHFC, तो आप कैसे निकालते? भाई हमें निकालना है NNPHFC, किसकी मदद से निकालना है GDP/MP। मान के चलो कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर NNPHFC ज्ञात करना होता, ठीक है, किसकी मदद से ज्ञात करना होता है GDP/MP, तो आप ऐसे करके लिखते या नहीं लिखते? ठीक है भाई, इसी तरीके से हम लिखते। अब ऊपर एक काम करो, GDP/MP और लिखो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना है NNPHFC, निकालना नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में NNPHFC निकालना होता किसकी मदद से GDP/MP, तो NNPHFC हम यहां लिखते हैं और GDP/MP को हम यहां लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जी से एन जाना है, यहां पर चेक कर लो, जी से एन जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइनस मूल्यह्रास, बोले तो डेप्रिसिएशन लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, डी से एन जाना है, डी से एन, अगर आपको डी से एन जाना है तो देखो डी से एन जाने के लिए कौन सा एरो जा रहा है, ये वाला एरो जा रहा है, प्लस करना पड़ता है NFIA यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, NFIA। देखो पी से पी तो हमारा कैंसिल ही हो गया, एमपी से जाना है आपको FC, तो एमपी से FC जाने के लिए ये वाला एरो जा रहा है। माइनस करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जैसे हम लोग कहते हैं NIT, आप लोग हिंदी में चाहो तो हिंदी में ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर चेक करेंगे NNPHFC यानी कि राष्ट्रीय, इसकी वैल्यू तो गिवन है कितनी 4000 रुपए। अब देखो GDP/MP हमारे को कितना है 5000 रुपए। क्लियर है, माइनस डेप्रिसिएशन बोले तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ही तो हमारे को निकालना है, तो ठीक है मैं डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन ही लिख देता हूं क्योंकि मूल्यह्रास मेरे को निकालना है। प्लस हमारा NFIA चेक कर लो, विदेशों से शुद्ध साधन आय कितना दिया हुआ है हमारे को 200 रुपए। माइनस NIT को हम लोग क्या कह देते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो कि कितना दिया हुआ है
₹300। तो हिंदी में भी याद रखना, इंग्लिश में भी याद रखना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा फिर आप लोगों का, ठीक है। तो हमारे को डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन को मैं इधर लाकर प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 5000 प्लस में है हमारा 200 और फिर माइनस में हमारा 300 और ये 4000 इधर प्लस में था, इधर जाकर क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो आप सबको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये समथिंग 900, ठीक है। ठीक है, ये 900 आ गया आपका, क्लियर है सारे बच्चों को। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया कि एक कंपोनेंट से आप दूसरे कंपोनेंट को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप राष्ट्रीय आय का एक भी विधि आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर विधि के अंदर आपको चेंज करने वाले जो ये हेल्प है ये आपको वहां पर चाहिए ही चाहिए। तो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस भी करवा दिए, और अगर किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, एनएफआईए या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी निकलवाता है तो हमें किस तरीके से करना है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।